हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सामाजिक विज्ञान का कार्य पत्र 29 करेंगे। 17 नवंबर का है। आज हम भारत के संविधान के मुख्य लक्षण 4 पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता राज्य वह होता है जिसमें राजा अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, वे कुछ भी कर सकते हैं। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है। अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपना देश और अपना प्रतिनिधियों के जरिए सरकार चलाना चाहते हैं। हालांकि भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है। राजनीति की नई चुनौतियों को अपने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं। अक्सर संविधान में बड़े बदलाव का मतलब देश के मूल स्वरूप में बदलाव होता है। तो उपरोक्त तस्वीर में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति को हस्ताक्षर कर रहे हैं। बाएं में सबसे पहले वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, ये देखिए। उसके बाद वो दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तीसरे चित्र में अगर आप देखें तो श्री जयराम दौलत जो कि खाद्य एवं कृषि मंत्री है, राजकुमारी अमृत कौर है, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान लोग हैं और तथा उनके पीछे जगजीवन राम भी खड़े हैं जो कि हमारे श्रम मंत्री थे उस समय। तो बच्चों आप ये सभी के चित्र देख सकते हैं। अब आगे आपका क्रियाकलाप है, इन मुख्य लक्षणों के अलावा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखा चित्र तस्वीर बनाइए तथा उपकार कविता या गीत लिखिए। तो हम बस यहाँ पे ये बनाएंगे, आप पोयम कोई ये सब खुद बनाएंगे। पहला, संविधान का पालन करें। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तीसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। चौथा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। पांचवा, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें। छठा, आम भाईचारे की भावना संस्कृति का संरक्षण करें, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। आठवां, वैज्ञानिक सोच विकसित करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। दसवां, उत्कृष्टता के लिए प्रयास। और ग्यारहवां, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अगर एक 13 साल का बच्चा कालीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है तो शोषण के खिलाफ अधिकार। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने का अधिकार नहीं है। यदि एक राज्य में एक राजनेता दूसरे राज्यों के मजदूरों को अपने राज्य में काम करने की अनुमति नहीं देता तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी लोगों को स्वतंत्रता है। यदि राजस्थान में लोगों के एक समूह को तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। यदि सरकार सशस्त्र बलों के एक अधिकारी को महिला होने के कारण पद नहीं करने देती तो समानता का अधिकार नहीं है। तो आप इस तरह से इन सभी जो उल्लंघन हो रहे हैं हमारे मौलिक अधिकार लिखेंगे। अब आपको संघवाद का महत्व बताना है। तो संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का या क्षेत्रीय सरकार के बीच सत्ता आंशिक रूप से विभाजित होती है। शक्ति का विभाजन, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया जाता है कि सभी अंगों की शक्ति एक दूसरे से अलग हो। मौलिक अधिकार, देश के सभी नागरिकों को राज्य सत्ता के सत्तावादी उपयोग से बचाते हैं। सरकार एवं संसदीय स्वरूप, लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। तो आप ये सभी लिख कर ये वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।